बिजली लाइनमैनों ने की शांतिपूर्वक हड़ताल। जनपद इटावा के बसरियर कस्बा में बने 33 केवी के बिजली फीडर पर आज संविदा कर्मचारी लाइनमैनों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार किया। संविदा कर्मचारी लाइनमैन महेंद्र सिंह, चरण सिंह, संजेश कुमार, लाल सिंह, अशोक कुमार, राजेश कुमार, सुरेश कुमार, संजय वर्मा, उनका कहना है जब तक हमारा 4 महीने का रुका हुआ वेतन व अन्य मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम संविदा कर्मचारी कोई भी विद्युत कार्य नहीं करेंगे। अगर हमारी हड़ताल के बीच कहीं की लाइन टूटती है तो हम लोग उसे ठीक नहीं करेंगे, हम लोग वहां कोई भी कार्य करने नहीं जाएंगे। जब तक हमारी मांगे सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चरण सिंह। चरण सिंह, ये पट्टी क्यों बांधी हुई वहाँ पे? ये पट्टी हम क्या करें, बिजली का काम करते हैं भैया, हम लोगों को 5-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, हमारे लड़के बच्चे भूखों प्यासों मर रहे हैं, अब क्या करें, मजबूरी कर रहे हैं, यहाँ पर घास खोद रहे हैं, इसमें 300 रुपये मिले हैं, कम से कम खाना खर्चा तो चलेगा हमारे बच्चों का। ये 4-5 महीने से बिजली विभाग में काम करते हैं भैया, हमको तनख्वाह नहीं मिली है, APF का पैसा भी गायब हो गया हमारा लोगों का, क्या करें, ये तो धरना प्रदर्शन ले निकल चल रहा है, वहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं पाए, तो भैया पैसा ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं, हमें घास खोद रहे हैं, जो कुछ पैसा मिलेगा उसी से खर्चा चलाएंगे भाई। तो बिजली विभाग क्या कह रहा है, पैसे क्यों नहीं दे रहा आप लोगों को? ठेकेदार ही चल रहा था, अब ठेकेदार दे नहीं रहा भैया, तो फिर क्या करें, ठेकेदार के ऊपर है। कितनी तनख्वाह मिलती है आप लोगों को? कुछ नहीं भैया, केवल 6,000 रुपये मिलते हैं बस। 6,000 रुपये मिलते हैं जी साहब। तो अब क्या करेंगे आप अगर तनख्वाह नहीं मिली तो? कुछ नहीं साहब, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे, उसमें 6,000 रुपये में गुजारा नहीं होता है, इसमें कम से कम 9,000 रुपये तो मिल रहे हैं, उसमें तो केवल 6,000 ही मिलते हैं भैया, इसमें 9,000 रुपये तो मिल रहे हैं और क्या करेंगे।